आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको लेना होगा आधी कटोरी देसी घी और एक कटोरी चीनी की, और कलर लिया है मैंने येलो। अगर आपका ऑप्शनल है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। और एक कटोरी मैंने सूजी की ली है, और साथ में गार्निश करने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आइए अब हम आपके लिए साथ शेयर करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ये 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब साइड में इसको कम कर दीजिए गैस को, और साइड में एक पैन में 1 ग्लास वाटर लीजिए, और इसमें आप अपनी जो चीनी ली हमने वो ऐड कर दीजिए, और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मैं डाल रही हूँ कलर। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना है, सिर्फ इसको चीनी ही इसमें मिक्स करनी है। इसमें हम कलर भी ऐड कर रहे हैं जब तक चीनी गाढ़ी होती है। धीरे धीरे डालिए ताकि इसके छिटके जो है हमारे ऊपर न पड़े। जो बाकी बचा है पानी वो भी इसके बीच में डाल दीजिए, धीरे धीरे करिए, और इसको धीरे धीरे हिलाइए ताकि जो इसके छिटके हैं वो आपके ऊपर न पड़े। ड्राई फ्रूट्स काटा था तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, और गार्निश के लिए हम अलग से रखेंगे। बचे हैं इसको भी हम इसे गार्निश कर देते हैं, और आपका ये हलवा मीठा मीठा बिल्कुल तैयार है और बहुत यम्मी है। प्लीज़ आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।